दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरे की तिथियों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको परेशान या कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी और दशहरा की तारीखों के बारे में और इन दिनों पूजे जाने वाली देवियों के बारे में। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, लेकिन इसके बावजूद माँ देवी की आराधना के लिए भक्तों को पूरे 9 दिन मिलेंगे। इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:57 से हो रहा है, जो अगले दिन 24 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:58 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर को व्रत रखना उत्तम है। इस दिन महागौरी का पूजन का विधान है। वहीं इस साल महानवमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर शनिवार की सुबह 6:58 से हो रहा है, जो अगले दिन 25 अक्टूबर रविवार को सुबह 7:41 तक रहेगा। नवरात्रि व्रत पारायण 25 अक्टूबर को किया जाएगा। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए जानते हैं माँ महागौरी के बारे में। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। उनका रूप गौर वर्ग का हो गया था, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना कल्याणकारी होती है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौलिक पारलौलिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए व्रत करते हैं। वहीं नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत किया जाता है। अष्टमी तिथि को हवन होता है और नवमी वाले दिन कंजक पूजन होता है। पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है, जिसके बाद नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाता है। नेशन वन से श्वेता सिंह की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।